ही गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, ये रात को हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अमित और सब लोग खाना खा लिए हैं, और अमित लास्ट में अपना धीरे धीरे खाते हैं, सबसे धीरे धीरे ही घर में खाना खाते हैं ये और सोनाची पापा। तो यहाँ मैच भी आ रहा है, लोग देख रहे हैं, और ये सब यहाँ बैठा हुआ है, मोबाइल के लिए परेशान हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो गया है। सबसे पहले मैं अपने पति देव का फेस दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फैमिली। और ये जा रहे हैं ड्यूटी, इनका ये पर्स है। लेडीज़ हो जैसे, ये भी पर्स ऑफिस का जेंट्स पर्स। हाँ, और पता है कल आपका कमेंट पढ़ रहे थे ना, उसमें अरे कमेंट आ रहा था कि भैया ये काम छोड़ के कोई और करिए, इससे कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। हम कह सही कह रहे हैं, इसमें काम में क्या है ना, थोड़ा आराम रहता है किसी का। अपने मन से जाओ, अपने मन से आओ, और किसी अंदर नौकरी करो ना, टाइम से पहुँचाओ, फिर कहीं जाना हो तो छुट्टी नहीं मिलती है, ये होता है ना। आगे कुछ बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत। इतनी महंगाई है, आदमी क्या बड़ा आदमी बने, जाते जाते भी तंगी कर लेते हैं। सारी कमाई उसकी बेचारे की तो चली जाती है खाने पीने में। चलिए मिलते हैं गाइस। पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं, और हमने घर का सारा क्लीन कर दिया है, और आज टंकी का पानी भी खत्म हो गया है, इसलिए नहाए नहीं है अभी। सोचे चले नहा ले, लेकिन पानी टंकी खत्म हो गया, मोटर भी चालू किया तो नहीं आया। तो ऋषभ के स्कूल लाने का, मतलब स्कूल से ले आने के लिए टाइम हो गया है, और जहाँ ऋषभ पढ़ता है उधर ही दर्जी है। तो यहाँ पर हमने बैक कैमरा करके दिखाते हैं। मेरी एक ब्लाउज ये है सिलाने के लिए, और एक ये पिंक वाला है, और एक ये साड़ी की है, और एक ये साड़ी है, इसमें ब्लाउज निकालना पड़ेगा, उसको सिलवाना है, और यही चार ठो ब्लाउज सिलवाना है। और दर्जी चला गया था गांव, तो अभी आया है, चलते देखते हैं। फ़ोन किए थे करे कि मैं 10 बजे तक दुकान खोलूँगा, तो अब जा रहे हैं, इसे देकर आएंगे ब्लाउज देकर सिलने के लिए, और ये सब पहनेंगे। देखिए गाँव जब जाते हैं तो पहनेंगे सभी की साड़ी करके। आप लोग भी ऐसी साड़ी खरीदिएगा, पहनिएगा। अभी साड़ी बहुत सुंदर सुंदर है गाइस, तो बने रही, चलिए दर्जी को दे देते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए हम आ गए हैं, बहुत दिन बाद एकदम ठाला होकर बैठे हुए हैं, लग रहा काम नहीं है इनके पास। हाँ, तो इसका निकाल लीजिए ब्लाउज, और ये है, और ये देखिए बाहर का लुक देखिए कैसा है। धूप धूप दिख रहा है, और हम लोग किसी दर्जी को नहीं दिए, आपका बेटी करते रह गए। हमके जाने दीजिए किसी से सिलवाएंगे, फिटिंग सिलेगा कि नहीं सिलेगा, क्योंकि हाथ बैठ गया है ना आपका। तो यहाँ हम ब्लाउज देख रहे हैं, इसका ब्लाउज निकाल लीजिए, फिर नाप मेरा ले लीजिए। ब्लाउज का नाप लेकर नहीं आए हैं, ऐसे हमने नाप दे दिया है, और 24 तारीख को हमारा ब्लाउज सिल कर देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे ना किट्टू बड़ा गुस्सा कर रही है, कह रहे कि बहुत, अरे जानते हो एक लोग का ना ब्लाउज बनाकर दूसरा साड़ी पर दूसरा ब्लाउज पहन के बना दी थी ना, कह रहा है कि मैडम ये साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की भाषा, फिर जो वही सिलवाएंगे ब्लाउज, आप वेट कर दिए हो। चलिए गाइस, यहाँ हम दे दिए हैं, और ऋषभ को भी ले लेते हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है, जुड़े रहिए, मिलते हैं। A few moments later. तो सो गाइस, ये सब को लेकर हम घर आ गए थे, और दर्जी को भी ब्लाउज दे दिया। क्यों पानी खोले हो, पानी नहीं था, पानी आ रहा था, कपड़े भी धुल लिए, सोनाची भी स्कूल से आ गई, ऋषभ भी स्कूल से आ गया है, कपड़े धुल के आए। कहाँ सुसु कर दिए, अभी तुमको बताते हैं, रुको। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत आंधी चल रही है देखिए यहाँ पर, और सारे कचरे छोटे छोटे उड़ गए घर के अंदर, देखिए कैसे ने पेड़ के जो झरते हैं वही उड़ के घर के अंदर आ गया है। और ऋषभ को बताते हैं, पैंट में सुसु कर दिया, बताते हैं क्यों किया सुसु, आए गंदी बात सीखते हो, तो चलो पैर धुलो और कपड़ा चेंज करो। अब मैं बच्चों के लिए कुछ लंच बना देती हूँ, देखते हैं क्या खाते हैं। दाल चावल, फिर क्या खाओगे, कचौड़ी खाएंगे, चलो भाई कचौड़ी सही है, बने रहिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर में हम। सो गाइस, हम किचन में आ गए हैं, और यहाँ हमारा रिफाइन खत्म हो गया था, तो मैं इसको खोलकर डब्बे में पलट रही हूँ, और ये मैंने आटे ले रखा है,
जिसमें मैंने जीरा और नमक डाल रखा है, इसमें रिफाइन का थोड़ा सा। क्या बना रही हो? गूथेंगे। वो बोला मैं राइस दाल नहीं खाऊंगा, कचौड़ी छान दे रहे हैं, रात का पालक का भी सब्जी है, आलू टमाटर का सब्जी है, खा पालक की सब्जी खा लेंगे। हाँ खा लेंगे सब लोग। तो आटा आटा गूथ लेते हैं, बना लेते हैं, फिर मिलते हैं, बने रहे तब तक। सो गाइस, बना बना कर हम लोग खा पी लिए, बच्चे भी खाए, ये लोग अचार से खाए और हम सब्जी से खाए हैं। और इसी बीच में बारिश हो रहा है, झमाझम झमाझम। देखिए बच्चे रोड पे भीग रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। अगर मेरा 2 बजे छुट्टी हो तो हम बारिश में भीग के आते हैं। इसको देख लीजिए गाइस, दिखाओ चेहरा, इधर लाओ, दिखाओ ना, देखो कितना ढेर सारा दाने निकल रहे हैं, मेरे भी निकल रहे हैं। ही गाइस, यहाँ हम देख सकते हैं साड़ी पहन रखा है और ये मैंने चूड़ा पहन रखा है। चूड़ा कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ देखिए चूड़ा पे हमारा और मेरे पति देव का फोटो छपा हुआ है। ये बिल्कुल न्यू चूड़ा है, मैंने करवा चौथ पे पहनने के लिए मंगाया है। और बहुत सारे से दिवाली वगैरह है और किट्टू का नया घर में ये सब चूड़ा मतलब कभी कभी पहनते हैं, बिल्कुल न्यू है। मैं सोची कि मैं आप लोग को दिखा दूँ और रात में भी पहन लेंगे। वैसे हम लोग गांव जा रहे हैं, ब्लाउज दर्जी को दे दिए हैं, वो 24 तारीख को सिल कर दे देगा। और कब जा रहे हैं सरप्राइज है। और सोनाक्षी बोल रही हम नहीं जाएंगे, इनका जाने का मन नहीं कर रहा, इनको ढेर सारा यहाँ दाने निकल गए। अरे नहीं, अरे वो तुम तो सोनाक्षी बड़ी लग रही है क्या? तो आज मैंने ये साड़ी पहन रखा है, मुझे वीडियो बनाना था, रील्स बनाई तो आप लोग जरूर जाइएगा वहाँ पर, हमको फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लाइक वंदना। और ये चूड़ा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये हमने मंगाया था इंस्टाग्राम पे, इनका पे बहुत लोगों का कमेंट आता है, जैसे हम लोग आपको एक कोलिब्रेट करते हैं तो कोलिब्रेशन करते हैं तो बोलते हैं कि ये कहाँ से लिया था, कैसे ऑर्डर किया जाता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ और जिनके पेज के बारे में बताती हूँ, जैसे मैंने ये चूड़ा जो पहन रखा है, ये चूड़ा मुझे मैं ली हूँ, एक पेज है जिनका नाम है नायरा 1650। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर सर्च करिए नायरा 1650। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप मुझे अगर फॉलो किए हैं मेरे को, मैं उसका वीडियो बनाकर डाली हूँ वहाँ पर, देखिए नीचे नाम टैग दिए रहते हैं, जब उनको टच करेंगे तो वो आईडी उनकी खुल जाएगी। फिर उनको या मैसेज करिए या उनका प्रोफाइल चेक करिए, उनको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर रहता है, मैं सब कुछ वहाँ पर मतलब की रहता है, तो वहाँ से आप उनको मैसेज द्वारा मंगा सकते हैं। बिल्कुल ट्रस्टेड पेज है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। स्कूल के गाँव के नहीं जाएंगे क्योंकि स्कूल खुला है ना। तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेंगे। क्या लगाई हो हाथ में? हाँ क्या है ये? अभी हम बताते हैं। तो गाइस मैंने बहुत सारे रील्स क्या बहुत सारे एक दो मैंने पोस्ट किया है, तो आप लोग जाइएगा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब से आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि हाँ मेरे कहने से यूट्यूब से आए हैं, हमारा रील्स देख रहे हैं। तो लाइक वंदना, मेरा इंस्टाग्राम आई डी लाइक वंदना। तो मैं कब से साड़ी पहनी थी, मुझे थोड़ा सा अब मतलब उलझन सा लग रहा है, आदत नहीं है पहनने का, बारिश भी हो रही है, तो सोच रहे हैं चेंज कर देते हैं साड़ी वगैरह। तो सो गाइस, हमारा गांव जाने के लिए बहुत ज़ोर तोर से तैयारी हो रही है और किट्टो नहीं जाएंगी, बस हम लोग हमारे बच्चे पति देव जाएंगे। तो वीडियो आज का हमारा यहीं तक था, वीडियो अगर पसंद आ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर, और गांव में खूब प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।